पंजाब उत्तराखंड के बाद आज गोवा में केजरीवाल ने बड़ा चुनावी दांव चला है। केजरीवाल ने गोवा के लोगों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया है और पुराने बिल माफ करने का भी दांव खेला है। हर परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली तक मुफ्त दिया जाएगा। पुराने सारे बिल माफ किए जाएंगे। वी विल स्टार्ट ऑन अ क्लीन स्लेट। पुराने सारे बिल माफ किए जाएंगे। लोग पूछ रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो था जिसकी वजह से ये गए थे, और पिछले 10 दिन से गोवा के अंदर जब से हमने ये कैंपेन छेड़ा है, विश्वासघात जो लोगों के साथ, गोवा के लोगों के साथ हुआ, दोनों पार्टियों ने किया और उन MLAs ने किया, आई थिंक हमने लोगों की दुखती रग को छेड़ दिया है। हजारों लोग रजिस्टर कर रहे हैं, हजारों लोग कसम खा रहे हैं कि अब इन दोनों पार्टियों को वोट नहीं देंगे, इन दोनों पार्टियों ने दगा किया है। मध्य प्रदेश के अंदर तो लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाई थी, 1-1.5 साल के अंदर उन्होंने बीजेपी की सरकार बना दी। कर्नाटका के अंदर तो लोगों ने इनकी सरकार बनाई थी, उन्होंने बीजेपी की सरकार बना दी। तो इसके ऊपर लोग विचार करेंगे। ये आवाज हमारी आवाज नहीं है, ये गोवा के लोगों की आवाज है। अगर आप जाके पूछें तो गोवा के लोग ये कह रहे हैं कि ये पुरानी पार्टियां और पुराने नेताओं से भविष्य नहीं बदल सकता। अगर हमें भविष्य बदलना है, वी नीड न्यू काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, वी नीड अ न्यू पार्टी।